जय हिंद बच्चों, आज किस वीडियो में हम क्लास 12 सिविक्स यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र और चैप्टर नंबर बच्चों ये जो है 4 रहेगा, चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया, आप बच्चों समझते होंगे दक्षिण एशिया क्या है। देखो एशिया एक महाद्वीप है और दक्षिण एशिया बोले तो बच्चों दक्षिण दिशा में स्थित जो एशिया महाद्वीप का भाग है वही चर्चाएँ करेंगे, वही सब देशों की। तो समकालीन दक्षिण एशिया ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु देखेंगे। ये क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, दक्षिण एशिया एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में सम्पन्न हुआ। ढाका क्या है बच्चों, ये बांग्लादेश की राजधानी है। और उसके बाद में मालदीव नवंबर 1968 में गणराज्य बना, मालदीव जो है नवंबर 1968 में गणराज्य बना था। अफगानिस्तान 2007 में दक्षेस का सदस्य बना, अफगानिस्तान 2007 में दक्षेस का सदस्य बना। और 1973 ईस्वी में अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हो गया। यानी बच्चों राजतंत्र समझ रहे हो, जहाँ राजा ही सर्वेसर्वा होता है, जिसका चुनाव चुनाव नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव होता है, गणराज्य में चुनाव होता है। तो 1973 में अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हो गया और 1996 में तालिबान ने पाकिस्तान को जो है इस्लामिक राज्य घोषित किया। अफगानिस्तान ने दिसंबर 2001 में तालिबान शासक से मुक्ति पाई। अगला पॉइंट है, भूटान ने 2008 में नया संविधान बनाया जिसके अंतर्गत भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। और 14 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 5 मार्च 1971 को एक स्वाधीन बांग्लादेश की घोषणा की गई और 12 अप्रैल 1971 को स्वाधीन बांग्लादेश सरकार का गठन कर लिया गया। और श्रीलंका 1947 में स्वतंत्र हुआ और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। मई 2009 में लिट्टे का सर्वोच्च नेता प्रभाकर मारा गया। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत व पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों युद्ध भी हुए। और अगला पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री ने 2005 में सियाचिन की यात्रा की और ग्लेशियर को शांति का क्षेत्र घोषित किया। 1998 में भारत ने पोखरण क्षेत्र पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, कब किए थे, 1998 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई थी और 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में संसद जो है भंग कर दिया गया। अब बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, आइए देखते हैं बच्चों या जो है आइए बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थी नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। अब बच्चों या एनसीईआरटी रहेगा और एनसीईआरटी समझ रहे हो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था, तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था, तो 1965 पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। बांग्लादेश नाम का देश कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है, भारत श्रीलंका पाकिस्तान उपयुक्त सभी, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो ये बच्चों दक्षिण एशिया का है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का है बच्चों, यही हो जाएगा, ये गलत है, बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया का ही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे वो विकल्पी प्रश्न हम लोग, देखो 7वां नंबर है, 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया। 14वें सार्क सम्मेलन में, सार्क क्या है बच्चों, एक क्षेत्रीय संगठन है, और 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताशकंद समझौता निम्न में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ताशकंद समझौता बच्चों ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था,
तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में, सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका। सही जवाब हो जाएगा 84 हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साप्टा कब से प्रभावी हुआ? तो 11 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2006 से। कब से? 1 जनवरी 2006 से। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है अथवा दक्षेस देशों की संख्या कितनी है? तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, 12 का 8। कितने हो जाएंगे? 8। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? 13 नंबर देखेंगे, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो 13 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, 7 देशों को। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? तो 14 नंबर हो जाएगा बच्चों ए पाकिस्तान का जो है। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, अब हम लोग अगले उत्तरी प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट मतलब उत्तरी है। बेनजीर भुट्टो की हत्या कब हुई थी? बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की थी जो है प्रधानमंत्री। बेनजीर भुट्टो की हत्या कब हुई थी? तो बच्चों 27 दिसंबर 2007, 27 दिसंबर 2007 को जो है हुई थी। बेनजीर भुट्टो की जो हत्या जो है 27 दिसंबर 2007 को हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र के लिए अहिंसा का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का नाम लिखिए। तो बच्चों 7 दलों का गठबंधन, ये समूह का नाम था जो है 7 दलों का गठबंधन। क्या था? 7 दलों का, आप लोग लिख लीजिए, 7 दलों का गठबंधन था। नेपाल में लोकतंत्र के लिए अहिंसा का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का नाम 7 दलों का गठबंधन था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? तो जो है 28 मई 2008, 28 मई 2008 को समाप्त किया गया, 28 मई 2008 को समाप्त किया गया। लिट्टे से आप क्या जानते हैं? लिट्टे से के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो लिट्टे यानी लिबरेशन टिगर्स ऑफ तमिल इलम, श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन है बच्चों। तमिलों का एक संगठन है, यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है, इसी को कहते हैं बच्चों लिट्टे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया कौन सा देश सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा? तो इस बच्चों सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान जो है हो जाएगा। अमेरिका ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर हमला किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सन 2001 में जो हमला किया। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो भारतीय संसद पर जो है आतंकवादी हमला दिसंबर 2001 में हुआ। संसद क्या है बच्चों? हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है संसद, जो नई दिल्ली में है। यहाँ पूरे देश के लिए कानून बनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति रहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर बच्चों संसद का निर्माण होता है। सीलोन श्रीलंका भारत की बेटी है, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों के नामों का उल्लेख कीजिए अथवा करके देगा। दक्षिण एशिया किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए अथवा करके देगा, चाहे इसको चाहे इसको। देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो 4 देशों का नाम बच्चों भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 4 महत्वपूर्ण देश हैं। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो 1965 पास है पाकिस्तान। 1965 भारत पर पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। श्रीलंका में संघर्षरत जाति समूह का नाम बताइए। तो श्रीलंका में संघर्षरत जाति समूह तमिल और सिंगली हैं। कौन कौन से हैं? तमिल और सिंगली हैं। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? आइए इसको तो देखेंगे। देखो दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है, जिसका प्रयोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है। समानता इस शब्द से आशय हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों से होता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। कौन कौन बच्चों? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को दक्षिण एशियाई का देश कहा जाता है। देखो सब पूछेंगे परीक्षाओं में। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था?
आइए उत्तर देखेंगे। दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौते साप्टा का मुख्य उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव के बीच वस्तुओं की जो है मुक्त आवाजाही, यानी कोई वगैरह नहीं, टैक्स वगैरह नहीं, मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को जो है एकीकृत करना है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षा कब किए थे? तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षा बच्चों सन 1974 ईस्वी में किए थे। दक्षेस से आप क्या समझते हैं? दक्षेस का पूरा नाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षाओं में। तो दक्षेस अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। बच्चों सार्क कब कायम हुआ? तो 1 से 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन दक्षेस की स्थापना के विचार विमर्श के लिए हुआ और 1985 में बांग्लादेश ढाका में इसके प्रथम सम्मेलन में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? देखो अथवा करके देखा जाए इसको चाहे इसको। देखो बच्चों भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान सार्क के 8 8 देश हैं। देखो सार्क में का है, का को अगर पूरा कर देंगे तो 8 मेडल बन जाएगा। समझ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। देखो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में क्या विवाद है? स्पष्ट कीजिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में क्या विवाद है? बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखो भारत पाकिस्तान समझ बच्चों हमेशा युद्ध चलता रहता है दोनों में से। तो दोनों देशों के बीच कश्मीर सीमा विवाद और नदी जल विवाद प्रमुख विवादित मुद्दे हैं। कश्मीर विवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद ये प्रमुख मुद्दे हैं। वर्तमान में कश्मीर को लेकर गतिरोध अधिक है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार प्रशिक्षित आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ करवा कर सेना, अर्धसैनिक बल और आम नागरिकों पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर में कट्टरपंथी वहावी विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे युवा पीढ़ी आतंक की ओर प्रवृत्त हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर में आतंकवाद को निर्मूल यानी समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। ऐसे में भारत ने आतंकवाद को कुचल कर पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।